नमस्कार, मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सुखाबाद नगर के आदर्श नगर में सभासद देव यादव के आवास पर ई श्रम कार्ड बनाए जाने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंगलवार को वार्ड नंबर 17 में जिला योजना समिति के सदस्य एवं सभासद देव यादव के नेतृत्व में ई श्रम कार्ड बनाए जाने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने ई श्रम कार्ड के बारे में बताते हुए कहा कि ई श्रम कार्ड का राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस बनाया जा रहा है, जिससे भविष्य में इन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। बताया कि ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए 16 से 59 साल के बीच होनी चाहिए, साथ ही आधार कार्ड, मोबाइल नंबर व बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए। बताया कि ई श्रम कार्ड बनने पर असंगठित श्रमिक को पंजीकरण के पश्चात 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर व 5 लाख का बीमा पूरे परिवार के लिए मिलेगा। इस कैंप के माध्यम से दिव्यांग के 7 प्रधानमंत्री आवास योजना के 40 फॉर्म, ई श्रमिक कार्ड के 125 लोगों के कार्ड बनाए गए। देव यादव ने बताया कि कैंप का आयोजन 22 दिसंबर को भी किया जाएगा। इस मौके पर श्रम विभाग से हरेंद्र सिंह राजपूत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अमन कुमार, अल्केश बघेल, संतोष यादव, रामराज यादव, कमला देवी, रचना देवी के अलावा नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तो देखते रहिए C20 न्यूज के साथ मुकेश गुप्ता की कार्य। आज सुखाबाद नगर पालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 17 में मैं, क्योंकि वर्तमान में वार्ड नंबर 17 से सभासद हूँ, सदस्य हूँ जिला योजना समिति में, हमें जिला मुख्यालय पर डीएम साहब के समक्ष अपनी समस्या रखी थी, जिसमें सामूहिक रूप से कैंप लगाने की बात हमने कही थी। तो डीएम साहब ने हमारे पास में लोगों को भेजा है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर कोई शिकायत है उसको भी सुन रहे हैं, दिव्यांग लोगों की पेंशन या उपकर से संबंधित कोई शिकायत है उसको भी हम लोग सुन रहे हैं, तथा उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन इस कैंप का जो मुख्य उद्देश्य है, ई श्रमिक रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं फ्री, जिसमें आपको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी है, 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी है, बेटी को पढ़ाने के लिए भी अनुदान आपको दिया जाएगा। यदि आपके बच्चे, बेटी और बेटा यदि कोई व्यापार करना चाहते हैं, यदि कोई रोजगार करना चाहते हैं, जिसमें बेटी के लिए सिलाई मशीन है, छोटे छोटे उपकरण उनको दिए जाएंगे निःशुल्क, ये पूरी योजना हम लोग लेकर चल रहे हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र के लोग आए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और मैं ये आपके माध्यम से भी आग्रह कर रहा हूँ, ये 2 दिवसीय लगभग रहेगा, हर वार्ड में मेरा ले जाने का उद्देश्य है सुखाबाद नगर पालिका क्षेत्र में, सबके सहयोग से आम जन को भी लाभ मिले, ऐसा मेरा प्रयास है। बहुत बहुत